इधर देखिए, सामने देखिए, सामने या 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 इधर इधर ये स्टील पे या 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 मैडम मैडम ये लुक सेंटर है, सेंटर सेंटर एक्सक्यूज मी सेंटर मैम मैडम जी इधर बोल यहां पे थैंक यू एक उनका संजय क्या सीखे को या 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 सर इधर सामने देखिए सर यहां पे हां सर ये दोनों हाथ सर सर यहां पे यहां पे हां सर ये मैडम के साथ भी कुछ ऐसे बॉक्सिंग का इधर सामने नहीं जा रहा राइट लेफ्ट साइड सही है ये ठीक इधर क्या मैडम ने संजय संजय यादव अच्छा असिस्टेंट डायरेक्टर तो अगर आप एक्टर बनते किस तरह स्ट्रगल था इतना सब कम बट जर्नी अगर आपके बात करें मैं आया था यहाँ पे एक्टर बनने के लिए और जो पहली फिल्म मिली एक टैलेंट हंट से तो मुझे लगा कि बस गुरु हो गया लेकिन जब पिक्चर नहीं चली तब वो सब हुआ जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था और मैं उसके लिए तैयार नहीं था काम मांग रहा था घूम रहा था मुझे इस शहर का ईस्ट और वेस्ट क्यों होता है नहीं पता था तो किसी ने बताया कि एक रेलवे लाइन है और वो रेलवे लाइन के उधर ईस्ट है इधर वेस्ट है तो ऐसे ऐसे इस शहर से मैं परिचित हुआ उस बीच कुछ भी नहीं था तो एक दिन महेश मांजरेकर सर ने बोला विनीत असिस्ट कर लो और फिर मैंने वो शुरू कर दिया तो लगा कि किसी फिल्म में हो जाएगा अगली फिल्म में हो जाएगा चलो इसमें नहीं हुआ अगली वाले में हो जाएगा ऐसे करते करते कुछ 6-7 फिल्में हो गई नहीं हुआ तो फिर ये हुआ कि चलो फिर से शुरू करते हैं तो फिर से शुरू किया चलती रही कोशिश मैं अनुराग सर को जानता था क्योंकि सर अनुराग सर बनारस से हैं मैं बनारस से हूं लेकिन मैं इस वजह से सर के पास नहीं जा रहा था क्योंकि सर जैसे ही पता चलता है कि आप अंकल या कोई चिट्ठी विट्ठी फ़ोन वोन के हिसाब से आए हैं तो भगा देते हैं और ऐसे भगाए गए लोगों को मैं जानता हूं बनारस में तो मैं नहीं चाहता था कि मैं भी भगाया जाऊं और उसी श्रेणी में जाके शामिल हो जाऊं तो मैं कोशिश कर रहा था कोई एक ऐसा काम मिल जाए कि उसे मैं सर को दिखा सकूं तो जाऊं वो पहला काम पाने में 10 साल लग गया और जब या और जब भी वो पहला काम आया सर के पास गया तभी लकीली किस्मत अच्छी थी गैंग्स ऑफ वसीपुर की कास्टिंग हो रही थी तो मेरी ये पहली हिंदी ऐसे बॉलीवुड पिक्चर है लेकिन एक्चुअली ये चौथी फिल्म है इससे पहले बिल्कुल इंग्लिश हिंदी काइंड ऑफ फिल्म्स थी हिंदी डेब्यू हाँ हिंदी डेब्यू तो यही है मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था एक्चुअली जो विनीत हैं अनुराग हैं राजीव सर शंकर सर ये एक्चुअली बहुत सब बहुत डाउन टू अर्थ हैं एंड ये बहुत केयरिंग है एंड बस यू नो को एक्टर्स के लिए नहीं सब पे जो पूरी क्रू है सबके लिए दे आर वेरी केयरिंग दे रियली लुक आफ्टर यू तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था जी नहीं ये डिफ़िकल्ट तो था ही लेकिन हम लोग चाहते थे कि ये बिल्कुल नेचुरल बिल्कुल रियल बहुत रिलेटेबल हो क्योंकि यू नो शी शुड लुक लाइक अ रियल पर्सन ये ऐसे कैरेक्टर नहीं लगना चाहिए और कैरिकेचर्स तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे पहले जो हमने पिक्चर्स देखी हैं उनमें कैरेक्टर ज़्यादातर डेफ होते हैं ये म्यूट है तो ये सब सुन सकती है उसको वॉल्यूम का यू नो छोटी छोटी डिटेल्स का उसका अंदाज़ा है तो ये बिल्कुल लाउड नहीं है उसमें जो अग्रेशन है वो फ्रस्ट्रेशन है वो इसी बात से आता है कि वो आप मुझे क्यों समझ नहीं रहे हो मैं तो जो कहना चाहती हूँ मैं कह रही हूँ मैं आपको समझ सकती हूँ तो आप क्यों नहीं ट्राई कर रहे हो और वो कम्युनिकेशन का फ्रस्ट्रेशन होता है और ये भी है कि वो लड़की है वो जिस काइंड ऑफ सेटिंग में है उसकी प्रॉब्लम जो है तो उसका फ्रस्ट्रेशन उस चीज़ से आता है और मुझे मैं चाहती थी कि जैसे कि जब हम लोग बात करते हैं यू दिस नो पॉज आपके थॉट्स के बीच और आप जो बोल रहे हो आप सोचते नहीं हो आप जगते नहीं हो तो बस साइन लैंग्वेज भी वैसे ही हो कि बिल्कुल फ्लो में अच्छा अच्छी तरह से आसानी से वो आ जाए एंड जो मेरी टीचर है संगीता गाला वो आई मीन शी इज़ फैंटास्टिक तो मैंने उनके साथ काफ़ी महीने लाइक ट्रेनिंग की और बस लाइक हो गया जैसे स्क्रिप्ट आपकी है तो बट ये कैसा कॉन्सेप्ट है कि नहीं स्क्रिप्ट मेरी है तो काम भी नहीं करूँगा इसके तरह भाई मैं एक्टर हूँ मैं एज एन एक्टर काम करना चाहता हूँ और चाहता था
लेकिन जब भी गैंग्स ऑफ वासेपुर, बॉम्बे टॉकीज, अगली के बाद जो भी फिल्में आ रही थी, मोर और लेस उससे मिलते जुलते किरदार थे, तो खुद से हमेशा पूछता था कि यही करने के लिए मैंने मेडिकल वगैरह की पढ़ाई करने के बाद सब ये इसके लिए आया था क्या, तो हमेशा एक बेचैनी रहती थी मुझे। तो फिर ये हुआ, चलो ऑडिशन तो देते हैं, मिलने की कोशिश भी हमेशा रहती है, क्या किया जाए। तो फिर ये कोशिश की और ठीक ही रहा। स्क्रिप्ट के जब आप अनुराग सर पे लिखे गए तो क्या मतलब एक थॉट थे कि नहीं मतलब आप ही एक्टिंग करना है कि किसी और? नहीं नहीं, वो मैं बड़ा क्लियर था, कहीं भी जाता था तो हमेशा बहुत ही सीधी और सरल भाषा में मैं कह देता था कि सर ये अगर आपको अच्छी लगती है स्क्रिप्ट और आप बनाना चाहते हैं तो मैं ये रोल करूँगा। मेरी सिर्फ और सिर्फ यही कंडीशन थी और बोल देता था कि इसके अलावा मेरा कोई सवाल नहीं है और मैं कुछ इसके अलावा और कुछ चाहता भी नहीं। तो वो कोशिश चल रही थी। बहुत सारी जगह पे जिन्हें स्क्रिप्ट अच्छी लगी तो ये होता था, विनीत कोई दूसरा रोल आप कर लो या एज अ राइटर हम इसको अगर आप देना चाहते हैं, तो मैं यही बोलता था नहीं सर मैं मुझे ये रोल करना है श्रवण कुमार। तो हाँ, तो बस हमेशा से बहुत साफ था मेरे लिए कि मैंने क्यों ये कोशिश की है। और अनुराग सर ने अगली जब भी हुई थी तो अगली के प्रीमियर की रात सबके सामने उन्होंने बोला था कि विनीत अब मैं तुम्हारे साथ कुछ बनाने वाला नहीं हूँ, तीन फिल्में हो गई अब तुम भाग जाओ। तो मैं सर के पास जाने की सोच भी नहीं रहा था, हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था, इसलिए मैं पहले बाहर कोशिश करता रहा। और अनुराग सर के पास गया इसलिए था कि सर से मुझे एक फीडबैक मिल जाए, उसको भी मैं स्क्रिप्ट में इनकॉर्पोरेट करता हूँ और फिर आगे देखता हूँ। लेकिन सर ने पढ़ने के बाद जो फ़ोन किया वो मेरी ज़िंदगी का अब तक का सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ोन कॉल है। सर ने सीधा ये बोला था, विनीत मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ और मैं तुम्हें लेके बना रहा हूँ। मुझे सुनने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ मैं जो सोच रहा हूँ वैसा सुनाई दे रहा है क्या, बट उन्होंने बोला हाँ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ और तुम्हें लेके बना रहा हूँ। मेरी दो कंडीशन है, बॉक्सर नहीं बने तो बॉक्सर नहीं बने तो पिक्चर नहीं बनाऊँगा और स्क्रिप्ट में मेरे हिसाब से चेंज करूँगा। मैं बड़ा खुश था कि ये लिखने की जिम्मेदारी सर ने ली, मैं चलूँ। बहुत टफ था, मैंने कभी बॉक्सिंग ग्लव्स टच भी नहीं किया था उसके पहले। हाँ मैं प्लेयर रहा हूँ लेकिन बॉक्सिंग ग्लव्स मैंने कभी नहीं छुआ था। हाँ एक भरोसा था कि वो जो अंदर मुक्के लगते हैं ना जब एक्टर स्ट्रगल करता है, उन मुक्कों से निकलने का एक मौका था। तो मैंने बस जो समझ में आ रहा था बस किए जा रहा था। शुरू में ये लगता था कि हो जाएगा लेकिन इट वॉज़ रियली टफ। बॉक्सिंग आसान नहीं है, एक कठिन गेम है और कोचेज़ ने जो बोला करता गया, जो समझ में आया करता गया। शुरू में सिर्फ मार खा रहा था, लगता था कि हाँ मुक्का आएगा, मैं मुक्के के नीचे से निकलूँगा, मुक्का मारूँगा, कुछ नहीं होता था। मैं सोचता था तब तक वो तीन चार मुक्के चिपका चुके होते थे, पोजीशन शिफ्ट कर चुके होते थे, फिर मुक्के लैंड हो रहे थे उनके, तो यही चल रहा था और ये लाल हो जाता था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुक्के मुझे दिखाई भी देते हैं और थोड़ी देर के बाद मैं देख नहीं पाता क्योंकि आँख बंद हो जाती है। तो ऐसा सारा स्ट्रगल खुद के साथ चल रहा था, बिकॉज़ ये सब न्यूरोमस्कुलर रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छी होना बहुत ज़रूरी है एक बॉक्सर के लिए। थैंक्स टू कोचेज, थैंक्स टू बॉक्सर्स, थैंक्स टू हरप्रीत सिंह जो इंडियन बॉक्सिंग टीम के कोच रहे हैं, थैंक्स टू अनुदीप सिंह जो बॉक्सिंग कोच हैं, थैंक्स टू बॉक्सर्स जिन्होंने सिखाया, एंड थैंक्स टू विजेंद्र सिंह जिन्होंने सबसे कनेक्ट किया। हाँ फिल्म में कई जगह अरे मैं बनारस का हूँ भाई, वहाँ पे तो भोजपुरी बोली जाती है, तो उसमें मैनेज क्या करना है। तो ये एक्चुअली फिल्म लव स्टोरी ही है, जो उसका बैकड्रॉप है फिल्म का वो बॉक्सिंग है, तो लेकिन एक्चुअली एसेंस में ये फिल्म लव स्टोरी ही है।
और सब जो पूरी प्रॉब्लम्स फिल्म में, आई मीन इनके कैरेक्टर के अलावा ऑफ कोर्स जो फिल्म में प्रॉब्लम्स आती हैं वो इसी से तो आती हैं कि जो लव स्टोरी का पार्ट है वो, और लव स्टोरी करना आसान तो होता ही है, सारा झगड़ा मोहब्बत की वजह से ही खड़ा हुआ है। बहुत सपोर्ट किया रवि सर ने, जिम्मी सर ने, जैसे फिल्म में रवि किशन सर मेरे कोच हैं, पर्सनल लाइफ में भी बड़े भाई के जैसे हमेशा उन्होंने प्रोटेक्ट किया, गाइड किया। जिम्मी सर फिल्म में जितने खतरनाक दिखाई देते हैं मैंने इसके पहले किसी फिल्म में ऐसा नहीं देखा और मैं खुद भी हैरान था, लेकिन वो बहुत ही अच्छे प्यारे इंसान हैं, हमेशा एक सही चीज़ बताते थे और कभी भी दूरी नहीं महसूस हुई। जब भी कुछ बात करनी है तो कभी ये नहीं लगता था कि मैं पूछ नहीं सकता हूँ, खुद से सारी चीज़ें आगे बढ़ के हेल्प करते थे। और ये लोग जितने यू नो इंडस्ट्री में जितने बड़े लोग हैं वो इतने ही डाउन टू अर्थ हैं एंड दे बहुत हेल्पफुल हैं। आई थिंक थिएटर ट्रेनिंग तो सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन थिएटर के लिए एक्ट करना और स्क्रीन पे बहुत ही अलग भी है। तो आई थिंक जो ये पार्ट था उसके लिए मेरी जो थिएटर का बैकग्राउंड है वो तो बहुत हेल्पफुल था, क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की वही तो ट्रेनिंग होती है आपकी थिएटर में, कि आप नॉन आई मीन बिना आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने एक्सप्रेशन से अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हो। तो आई थिंक इस फिल्म के लिए तो इट वॉज़ वेरी हेल्पफुल, बट जनरली एक्टिंग फॉर स्टेज और एक्टिंग फॉर कैमरा दे वेरी डिफरेंट। क्या याद है मेरे लिए तो मतलब ये फिल्म बहुत खास है, यही सपना लेके कभी 17-18 साल पहले इस शहर में आया था, तो ये फिल्म बहुत खास है। थैंक्स टू अनुराग सर, थैंक्स टू आनंदल राय सर, जिन्होंने मेरे जैसे एक लड़के पे जो छोटे शहर से मुंबई आया एक सपना लेके भरोसा किया और ये मौका दिया और ये सब कुछ हो पा रहा है। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर सबको, और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। फिल्म का ट्रेलर और गाने जो हैं लोगों को पसंद भी आ रहे हैं। आई थिंक मेहनत जितनी इतने सारे लोगों की फिल्म के अंदर जब जाती है तो बहुत अच्छा लगता है जब लोगों को गाने, ट्रेलर, सारी चीज़ें जो हैं वो पसंद आती हैं। फिल्म 12 तारीख को रिलीज़ हो रही है, 12 जनवरी को, हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को और पसंद आएगी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, एक लव स्टोरी है, लेकिन अनुराग कश्यप आपको पता है कि वो इतने सीधे डायरेक्टर तो हैं नहीं, थोड़े से टेढ़े हैं, तो कहानी में कुछ टेढ़ापन तो होगा। तो इस कहानी के अंदर, एक लव स्टोरी के अंदर जो है वो एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स का बैकड्रॉप है और एक मज़ेदार कहानी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि 12 तारीख को जब फिल्म रिलीज़ होती है तो लोग इसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। थैंक यू। यार मैं ऐसी कोई तैयारी नहीं करता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ डायरेक्टर के साथ, एक लुक होती है जो डिसाइड होती है कि ये करेंगे वो करेंगे, एक बार डिसाइड हो जाता है कि ये करेंगे फिर उसके बाद आई थिंक एक आध दिन लगते हैं उस किरदार को ढूंढने में। आई डोंट थिंक कि मैं ऐसा इंसान हूँ जो कुछ बड़े मेथड या उस तरीके से करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो
आते आते ही वैसी चीज़ें आएंगी, बट अभी इतना कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है। मतलब होता है किरदार, आप सोचते हो उसके बारे में और फिर उस एक आध दिन में उसका सुर आप पकड़ लेते हो और फिर उसको फॉलो करते हो। यार मेरे को तो जिम्मेदारी का वैसे तो नहीं पता, मुझे मज़ा आता है फिल्में बनाने में और मेरी सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि मैं उन लोगों के साथ जुड़ूँ जिनके साथ मुझे मौज आए, जिनके साथ मेरी एक वेवलेंथ हो। और इस केस में अनुराग कश्यप के साथ मैं काम करना चाह रहा था, मेरा बड़ा मन था कि मैं कुछ करूँ जो उनके साथ हो। और जब उन्होंने मेरे को मुक्काबाज़ की कहानी बताई तो मुझे लगा इससे अच्छा मौका नहीं है उनके साथ जुड़ने का। और एक बड़ी अपने हिसाब की बहुत ज़रूरी फिल्म है, बिल्कुल एक लव स्टोरी है, बट उसका जो बैकड्रॉप है जो स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स का, बहुत टाइम से उसको लेके एक 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 इतने रियलिस्टिक लेवल पे किसी ने बात नहीं की। और अनुराग की ये खासियत है कि वो जिस चीज़ को लेके आते हैं उस चीज़ को बहुत बहुत पैशनेटली एग्रेसिवली उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो हाँ, इस फिल्म में उन्होंने स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स के ऊपर भी बहुत एग्रेसिवली बात की। सो ये चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी एज अ प्रोड्यूसर ऑल्सो कि मैं एक ऐसी कहानी के साथ जुड़ूँ, और मैंने वो किया। फिर एक फिल्म जो कि साल के स्टार्टिंग में आ रही है और एक आपके और एक फिल्म जो कि साल के आखिरी में आ रही है जी, और कल ही इसका अनाउंसमेंट हुआ, तो कुछ बताइए सर कि कैसा रहा एक्सपीरियंस, उन्होंने टीजर देखा जीरो के अगर बात। हाँ, तो वो मेरे लिए अपने लिए बहुत ज़रूरी फिल्म है, और हर फिल्म के साथ आप अपने अंदर एक 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 बदलाव एक 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 ग्रोथ मांगते हैं। तो मैं अपने अंदर एक ग्रोथ मांग रहा था आफ्टर दनवर्ड्स वन रिटर्न्स, तो मुझे लगा कि मेरे को एक ऐसी कहानी सुनानी चाहिए। और एक लंबा प्रोसेस है इस कहानी को लिखने में, इसको फ्लोर पे लेके जाने में और अब इसको रिलीज़ करने में। ये एक नॉर्मल कहानी से थोड़ा ज़्यादा वक्त ले रही, बस उतना। तो ये हमारे लिए ज़रूरी हो गया था कि हम लोग ऑडियंस को उसका टाइटल और एक एक ग्लिम्स दिखा दें। तो हमें लगा कि साल शुरू कर रहे हैं तो इस तरह से कर लेते हैं। अब एक साल हम अपनी फिल्म पूरी करेंगे और 21 दिसंबर उसको लेके भी आ जाएंगे। सर, जिस गाने के साथ टीजर आया है, सॉरी वो कंटिन्यू करेगा जीरो की सुपर जी, मतलब वो जो पुराना गाना उस गाने को चुनने में आपका कितना हाथ था, शाहरुख का कितना था, और क्यों उस गाने को ही चुना आपने? ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जिसको मैं सिर्फ इधर ये बात करके ख़त्म नहीं करने देता। मैं देता हूँ थोड़ा और वक्त आपको बहुत जल्दी, और इसके ऊपर एक पूरी पूरी एक डिस्कशन करते हैं। आपको बहुत मज़ा आएगा ये सुन के कि ये कैसे हुआ था। तो ये अपने आप में पूरा एक एपिसोड है, इसको अलग रखते हैं। अच्छा सर, मैं अगर टाइटल की अगर सर बात करूँ जीरो की, काफ़ी दिनों से बात करती है क्या टाइटल रखेंगे, तो शाहरुख अनुष्का कंटिन सभी के डिसीजन के बाद या आपका डिसीजन था कि जीरो टाइटल रखेंगे, अगर उस पर अगर आप कुछ हमें बता सकते हैं? देखिए, इस वक्त ना मेरे मन में ना मुक्काबाज चल रहा है और बहुत बहुत जोर शोर से चल रहा है। सर, इतना बता दीजिए कि आइडिया किसका था, क्या सबका शामिल था, बस इतना। या आपका डिसीजन था कि नहीं हम जीरो रखेंगे? नहीं, डिक्टेटर तो मैं भी नहीं हूँ लाइफ में, मिलजुल के फैसला करते हैं। और इसीलिए थोड़ा वक्त लिया था ताकि बहुत सारी चीज़ों को समझ लें, कर लें। ऐसा नहीं होता, आप जब एक फिल्म बनाने उतरते हैं तो बहुत सारे टाइटल्स आपके दिमाग में चल रहे होते हैं, पर आप कहीं ना कहीं आपकी एक कन्विक्शन आती है, और जिस वक्त वो कन्विक्शन आती है उस वक्त आप वो तय कर लेते हैं। पर अभी भी मैं ये कहूँगा कि मेरे लिए इस वक्त बड़ा टाइटल मुक्काबाज है, तो उस पर हम लोग थोड़ी ज़्यादा बात करते हैं। जीरो के लिए मैं पूरा टाइम दूंगा आपको। बट आनंद सर, सेम टाइम अगर आप जी की एक्टिंग की बात करें, जी आप काफ़ी मूवी काम किया जी, जी के सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या क्या रहता है? यार, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिमी सर के बारे में बात करते हुए मैं ना दो बार सोच में पड़ जाता हूँ, क्योंकि इतना अपनापन है और इतने वो मेरे अजीज़ हैं कि मेरी हर बात को पता नहीं सच माना जाएगा या सिर्फ प्यार माना जाएगा। सो पर हाँ, ये बहुत बेहतरीन एक्टर हैं, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं इन्हें नहीं ढूँढता, मेरी कहानियाँ इन्हें ढूँढ लेती हैं। मैंने कभी ये नहीं बोला कि यार इस फिल्म में जिमी सर के लिए एक रोल होना चाहिए, वो कहानी अपने आप एक रोल निकाल के लाती है जिस पर बोल्ड लेटर्स में लिखा होता है जिमी शेरगिल, और मेरे पास कोई चारा नहीं होता और मैं उनके पास पहुंच जाता। आनंद जी, क्या लकी चार्म भी है जिमी, मतलब एक हल्की सी झलक दिखा दो तो आपको लगता है कि मतलब अंदर कहीं ये मन में भी बात बैठी है, क्योंकि शुभम दा चौधरी बहुत छोटा सा एक कैमियो टाइप है फिर भी, लेकिन नहीं अब
इनको दोस्त बनाया, इनके पास भी कोई चारा नहीं है कि ये मेरी फिल्म में दिखें ना दिखें तो भी ये मेरे साथ रहते हैं। तो लकी चाम तो ये मेरे, अगर हैं तो ये मेरे साथ हमेशा हैं, चाहे वो फिल्म के अंदर दिख रहे हैं या फिल्म में, जब मेरी जिस फिल्म में ये नहीं है उसकी स्क्रीनिंग चल रही होती है तो भी ये मेरे साथ खड़े होते हैं। तो अगर ये लकी चाम है तो मैं बहुत किस्मत वाला हूँ, ये मेरे साथ ही होते हैं चाहे फिल्म के अंदर चाहे फिल्म के बाहर। आनंद सर, आप ना बहुत बड़ा ब्रांड बन गए हैं बॉलीवुड में, मतलब आपने जिस फिल्म को छू दिया वो फिल्म बहुत बड़ी बन जाएगी, मतलब डायरेक्टर्स ने बस ऐसे ही डराते जाइए मुझे, मैं घबराता जाऊंगा और फिर मैं सोच में पड़ जाऊंगा, फिर उनका कहानियों में असर पड़ेगा। अरे मत कीजिए ये सब, राज कपूर, सुभाष भाई, हाँ और दो चार बड़े बड़े नाम ले लीजिए, मैं और घबरा जाऊंगा। चलिए, कहानियां सुनते हैं एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर, तो कितना डरे रहते हैं जैसे आप बता रहे हैं, या कितनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं और क्या मन में चल रहा होता है, क्योंकि आपके नाम के साथ एक बहुत बड़ा ब्रांड है। मैं डरा हुआ तो कभी नहीं, मैं मुझे मुझे कहानियाँ चुनने में या फिल्म बनाते वक्त कोई ऐसी घबराहट नहीं होती, ये मुझे मज़ा आता है और मैं इस चीज़ को अपने जहन से कोसों दूर रखता हूँ कि ये कोई ब्रांड की बात हो रही है या एक प्रोजेक्शन की बात हो रही है या एक बिल्कुल मैं जब मैं स्कूल में भी था तब भी मैं एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट था और आज भी अपने आप को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर नहीं करता। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं कहानी में मेहनत करूं और अच्छी कहानियां सुनाऊं, बस वही कोशिश करता हूं। बाकी रही कि मेरे को इस चीज़ का प्रेशर कि इससे पहले क्या किया, मुझे नहीं होता, मुझे हर बार लगता है कि ये मेरी पहली कहानी है जो मैं बनाने जा रहा हूं, तो जब तक दिमाग में ये रहेगा कि ये मेरी पहली कहानी है मुझे ये लगता है कि हमारा एफर्ट 100% रहेगा। अनंत सर, जैसे हम जीरो का टीजर देखा काफ़ी एकदम धमाल था, बट रंजना का कब आ रहा है, इंतजार करे कि रंजना पार्ट टू आने वाला था, उसके कहाँ तक पहुँचे और क्या इसी साथ हम देखेंगे उसका अनाउंसमेंट भी यहाँ पर देखेंगे। रंजना का पार्ट टू क्यों मांग रहे हैं आप मुझसे? रंजना लोगों को पसंद आ रही है, बहुत सारी खबरें थी कि पार्ट टू आ रही है, जो कहानी पसंद आ जाए उसका पार्ट टू हो ये ज़रूरी है, मुझे नहीं लगता। कहानी बनाने की वजह ये नहीं हो सकती कि एक कहानी आपकी चल गई तो आप उसका एक सीक्वल बना दें, आप तभी बनाते हैं जब आपके पास कहानी होती है। रंजना की मेरे पास उतनी ही कहानी थी जो मैं सुना चुका हूँ, बहुत दिल से सुनाई है और वो अपने आप में कंप्लीट कहानी थी और कंप्लीट हो गई, उसका कोई पार्ट टू नहीं है। और अब मुझे लग रहा है कि मुक्काबाज का पार्ट टू के बारे में आप अनुराग कश्यप से ज़रूर पूछिएगा, मुझे लगता है उसके पास मुक्काबाज पार्ट टू है। जब आपके पास आनंद जी की कहानी आती है, उनके प्रोडक्शन का काम आता है, तो आप सुनते हैं कि चलो ये करना है सर, मतलब कहानी बिना सुने राजी हो जाते हैं ऑलरेडी, मतलब हाँ भी है, राजी हैं आप? हाँ, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं, खुद ही बोलते हैं कि भाई एक बार आके सुन लो, सुनते हैं। हाँ, इस बारे में ये ज़्यादा इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ये मैंने जो आपको बताया कि एक अच्छे इंसान की खासियत होती है, नहीं ये बिल्कुल कहानी सुनते हैं, ये अच्छे आदमी बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल कैरेक्टर सुनते हैं, और हाँ अगर मैं ज़िद करूँ तो कर लेंगे, पर मैं इनसे कभी ज़िद नहीं करता, और जिस तरह से ये कैरेक्टर्स चुनते हैं आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इन्होंने जब भी आपने इनको फिल्म में देखा होगा तो किसी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर में ही देखा होगा, एक इंटरेस्टिंग रोल में ही देखा होगा, और यहाँ ये मान लीजिए कि वो रोल इनके पास आके इंटरेस्टिंग हो जाता है या इंटरेस्टिंग रोल चुन लेते हैं, ये इनकी खासियत है। रखते हैं थोड़ा सस्पेंस, अगर आपने बनाई लिया इसको सस्पेंस तो इसको सस्पेंस बना के रखते हैं। लकी जाम। मेरे दोस्त हैं यार, ये कुछ भी बोलेंगे, मैं थोड़े ना इनको बोलने वाला हूँ कुछ या कुछ, ऐसा है कि मर्जी है, जो मर्जी लोग दोस्त हैं करेक्ट है। यार ये 12 तारीख को बेचारा हीरो इतनी मेहनत करते करते मतलब वो मरा ही नहीं, बाकी सब कुछ हो गया उसके साथ, और वो देख के बॉक्सर बन गया, कॉम्पिटिशन्स भी लड़के आ गया, सारा कोच, इतनी मेहनत उसने की है, जो कि ऐसा नहीं है, वो उसकी मेहनत की कहानी देख के लोगों को, लोग इंस्पायर हुए हैं,
उनको मज़ा आ रहा है कि मैं ऐसा भी हो सकता है, कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है किसी किरदार के लिए। मैं समझता हूँ वो तो एक चीज़ है जो फिल्म बनने से पहले हुई है, अभी जो कहानी आपको बताने वाली है और किस तरीके से आपको इंस्पायर करने वाली है वो एक अलग चीज़ है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स और आर्म्ड फोर्सेस, इनके ऊपर फिल्में ज़रूर बननी चाहिए, तभी हमारे जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं वो बस अभी फिल्में ही देख देख के और वो करके कि एक्टर बनना है एक्टर बनना है, फिर वो बंद होगा कि बोलेंगे मुझे बॉक्सर बनना है या मुझे क्रिकेटर बनना है या मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है। वो वक्त पता नहीं कहाँ चला गया है, सब एक्टर बनना चाहते हैं। थैंक यू।